वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट फाइव ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड थ्री एंड द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द पोयम द बलून मैन तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे इस वीडियो में अपने एक पोयम देखेंगे पोयम का नाम क्या है द बलून मैन यानी जो गुब्बारा लेके आता है ना उसे बलून मैन कहते हैं तो बच्चों आप सबको गुब्बारे तो बहुत पसंद होंगे है ना आप सबने लिए भी होंगे तो गुब्बारा जो इंसान लाता है उसको देखा है ना बलून मैन को तो उसी के बारे में ये पोयम है ओके तो पहले देखते हैं कवि क्या कह रहा है यहाँ पे डज़ अ बलून मैन विजिट योर मार्केट क्या बलून मैन आपके मार्केट में आता है बाजार में आता है लेट्स सी वॉट हिज बलून दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम तो चलो देखते हैं कि ये बलू, बलून बलून मैन अपने साथ क्या लाता है ओके okay, अब शुरू करते हैं पोयम ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वेर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच तो क्या कहता है कि जब भी अपने आसपास के एरिया में मार्केट भर होता है बाजार भरती है मार्केट जहाँ पे भी होता है होती है वहाँ पे बलून मैन आता है और वो उसके साथ क्या लाता है एक गुच्छा प्यारा प्यारा गुच्छा बलून को पकड़ के लाता है और वो फिर कहाँ रहता है मार्केट के बीच में मार्केट स्क्वायर में यानी मार्केट के मैदान में खड़ा रहता है और कभी खुद के खाने के बारे में नहीं सोचता नहीं सोचता ना फिर क्या कह रहे हैं दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन एंड वेन इट इज अ सन डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट गेट बिटवीन यू सी दैम शाइनिंग फार अवे तो क्या कहते हैं कि वो कैसे कैसे गुब्बारे लाते हैं तो देखो यहाँ पे कौन से कलर के हैं रेड ब्लू ग्रीन और पर्पल है ना और ये बलून मैन है वो छोटी बच्ची को बलून दे रहा है पर्पल कलर का तो वही कह रहे है कि वो क्या करता है कौन से कलर के लाता है रेड पर्पल ब्लू ग्रीन कलर के गुब्बारे लाता है और जब बहुत धूप वाले दिन होते हैं सन्नी डे यानी धूप होती है तब वो काट यानी जो भी रेकड़ियाँ होती हैं लारियाँ होती अपने कहते हैं उन और इंसानों के बीच खड़ा रहता है और उसके गुब्बारे धूप में चमकते हैं एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल ऑल टाइड टायदर विथ अ स्ट्रिंग कितने छोटे होते हैं गुब्बारे कितने बड़े होते हैं और सबको किसके साथ बांधे होते हैं पतली सी रस्सी के साथ बांध कर रखता है जिसको अपने पकड़ते हैं है ना एंड इफ देर इज विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनी थिंग और जब हवा आती है तो गुब्बारों को अपने बहुत खींच कर पकड़ना पड़ता है ना टग यानी खींच कर टाइट पकड़ना पड़ता है ना तो उसे टग कहते हैं तो जब हवा आती है तो उसको बहुत टाइट पकड़ते हैं तब ताकि गुब्बारे उड़ ना जाए समे पर ही लेट देम गो एंड वी सी देम सेलिंग हाई तो फिर क्या कह रहे हैं कि कभी तो को, कोई दिन तो वो उन, उनके हाथ से छूट जाएंगे और वो जाने देगा बहुत हवा आएगी तो छूट जाएंगे गुब्बारे उसके हाथ से और अपने क्या देखेंगे वो ऊपर आसमान में उड़ रहे होंगे एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई और अपने नीचे खड़े होकर देखेंगे नीचे से गुब्बारे को उड़ते और वो आसमान में उड़ते कितने अच्छे लगेंगे तो अभी यहाँ पे पोयट कौन है कवि कौन है रूस फाइलमैन ओके तब पोयम समझ में आ गई तो इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं तो न्यू वर्ड्स कौन से हैं? यानी Square, यानी गुच्छा, पे मैदान को कह रहे हैं सनी यानी धूप वाले दिन टग यानी खींच कर पकड़ना ओके okay. तो पोयम समझ में आ गई अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं ओके okay. तो बच्चों चलो अपने पहले क्या देखते हैं पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस पोयम के रिलेटेड ओके okay? तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पहला question क्या है बलून मैन स्टैंड बलून मैन रहता है द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर यानी वो बाजार वाले मैदान में खड़ा रहता है कौन बलून मैन क्वेश्चन टू वॉट है बलून वेन इज विंड तो गुब्बारों को क्या होता है जब वो जब हवा आती है वैन देर इज विंड द बलून टग अ लॉट यानी जब हवा आती है तो बलून अपने को खींचते हैं हवा में है ना फिर थर्ड क्वेश्चन वॉट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू तो बच्चों को बलून मैन क्या करते हुए दे, देखना अच्छा लगता है आंसर द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन सेटिंग ऑल द बलून फ्री इन द स्काई यानी बच्चों को बलून मैन सारे गुब्बारे छोड़ दे खुले आसमान में वो देखना अच्छा लगता है ही वॉन्ट्स टू सी देम सेलिंग हाई इन द स्काई वो उनको गुब्बारों को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखना पसंद करता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई कितने ऊंचे तक गुब्बारे उड़ सकते हैं आंसर बलून्स कैन फ्लाई क्वाइट हाई अप इन द स्काई डिपेंडिंग अपॉन द गैस इन द इध यानी गुब्बारे बहुत ऊंचे तक उड़ सकते हैं आसमान में जितने तक उसमें गैस हो उसके गैस के ऊपर गुब्बारे में गैस होता है ना उसके आधार पे वो उड़ सकते हैं क्वेश्चन टू वट डू यू लाइक अबाउट दिस पोयम आपको इस पोयम के बारे में कविता के बारे में क्या अच्छा लगता है द चाइल्ड इज विशिंग टू सी ऑल द बलून sailing इन द स्काई आई लाइक दिस वेरी मच यानी बच्चे को सभी गुब्बारे आसमान में उड़ते देखना बहुत पसंद है और वो इच्छा करता है और मुझे भी बहुत पसंद है अब कौन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है वर्ड वर्ड बिल्डिंग बिल्डिंग तो वर्ड बिल्डिंग में पहली एक्सरसाइज क्या है आइडेंटिफाई फ्रॉम द दम्बर्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड यानी यहाँ पे देखो जो वर्ड्स दिए हैं ना उसको आड़े आवले यानी सीक्वेंस में नहीं ऑर्डर में नहीं जचा रखे हैं उसको ऐसे ही तो आपको क्या करना है उनको अच्छे से ऑर्डर में रखना है ताकि एक अच्छा वर्ड बन सके ओके तो पहला क्या है बलून्स फिर क्या है लंच फिर ब्लू फिर पीपल बाद में बिलो और लास्ट क्या है काट ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्या है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप यानी आपको वर्ड्स को क्या करने हैं ग्रुप में रखने हैं तो कौन से कौन से आएंगे पहला ग्रुप क्या है नेचर तो नेचर में कौन से कौन से आएंगे वीन स्काई और ग्रास ओके फिर बी बी क्या है फूड तो फूड में कौन से कौन से आएंगे टर्नी पाइन और राइस उसके बाद कलर्स कलर्स कौन से कौन से ग्रीन पर्पल पर्प, वाइट येलो ऐसे रखने हैं ओके अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन मेज राइट बिलो यानी इस बॉक्स में आपको कितने कलर्स के नाम मिलेंगे ढूंढो यहाँ पे छिप रखे हैं छिपा रखे हैं, और फिर नीचे लिखने हैं तो कौन से कौन से हैं इट फिर रेड ऑरेंज पर्पल येलो ब्लू, फिर ब्राउन ब्लैक वायोलेट और श्री पिंक ओके ये सारे वर्ड्स हैं। इसको नीचे लिखने हैं कैसे वाइट ब्लैक वायोलेट ऑरेंज पर्पल येल्लो पिंक ब्ल्यू रेड ब्राउन ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर ऑपोजिट यू कैन फाइंड दैम इन द पोय द बलून मैन वन इज टर्न फॉर यू यानि आपको क्या करना है ये बलून्स है ना बलून में जो जो वर्ड्स दे रखे ना उसके ऑपोजिट लिखने हैं ओके okay, नीचे ये ब्लैंक दे रखा होगा आपको देखो टेक्स्ट बुक में उसमें लिखने हैं ऑपोजिट तो पहला क्या है नेवर तो नेवर का ऑपोजिट क्या आएगा ऑलवेज क्या आएगा ऑलवेज है ना ऑलवेज फिर दूसरा दूसरा क्या है स्मॉल तो स्मॉल का ऑपोजिट वेरी गुड क्या आएगा बिग छोटा फिर बड़ा राइट थर्ड बलून रेनी तो रेनी का ऑपोजिट यहाँ पे क्या आएगा रेनी का सनी ओके okay. फिर लो तो लो का ऑपोजिट क्या होगा हाई यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे ब्लैंक्स में ओके okay. फिर सीट तो सीट का क्या होगा स्टैंड और नियर का फार फार कहाँ लिखोगे यहाँ पे ओके तो समझ में आ गए एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वेरी गुड आपको क्या करना है इन सब को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और जो भी जम्पल्ड वर्ड्स है फिर ये बलून वाला है ये सब टेक्स्ट बुक में लिखना है ओके और लर्न करना है ये भी टेक्स्ट बुक में ओके